मैं निधि पटेल ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे डीबीएमएस के एनवायरनमेंट में कौन से यूजर्स होते हैं। तो जैसे कि अगर स्कूल है, कॉलेजेस है, तो उसमें क्या क्या होता है कि ट्रस्टी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो उनका अलग से एडमिन स्टाफ होता है। फिर टीचर्स प्रोफेसर आते हैं तो उसका स्टाफ अलग से होता है। प्यून्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट में जो यूजर्स होते हैं वो। तो उसी तरह अगर डीबीएमएस के एनवायरनमेंट में कौन कौन से यूजर्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से यूजर्स है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एंड यूजर्स। तो अब उनके टास्क क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम्स इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। तो ये क्या है कि अनेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, पाइथन है, तो वो सारी लैंग्वेज के साथ डेटाबेस इंटरेक्ट कनेक्टेड है, उसके साथ उनको इंटरेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, द डेटाबेस एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर डीबीएमएस सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस, ये डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो क्या है, वो सारे डेटाबेस का एडमिन है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस एडमिन। एंड यूजर्स, द एंड यूजर्स आर द पीपल हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एंड यूजर्स क्या है कि वो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि यूजर्स मतलब कि अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम है, उसको यूजर्स जो यूज करते हैं तो उसे एंड यूजर्स कहते हैं। तो दे कंडक्ट वेरियस ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस लाइक रिट्राइविंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ईटीसी। तो ये जो डीबीएमएस है तो उसको यूजर्स रिट्राइविंग कर सकता है, जैसे कि उसको अगर कभी भी जरूरत हो तो रिट्राइव कर सकता है, अपडेट और डिलीट, उसको डिलीट भी कर सकता है। अब हम जानेंगे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस के पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, हियर इज द लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर डीबीएमएस सिस्टम। फर्स्ट है माई एसक्यूएल, जो जावा में यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, डीबेस, फॉक्स प्रो, एसक्यूलाइट, आईबीएम डीबी2, लिब्रेबेस ऑफिस, मारियाडीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ईटीसी। तो ये सारे हैं डीबीएमएस के पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस की डीबीएमएस कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट है बैंकिंग। तो बैंकिंग मतलब हम सब बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हम अपने पैसे जमा करा सकते हैं, या फिर हम अपने लोन्स लेने हैं तो वो ले सकते हैं, हमारे जो पेमेंट्स है उसका हम ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिट वो उसको फिक्स करवा सकते हैं। दूसरा है एयरलाइंस। तो वो क्या है कि हम अपने रिजर्वेशन कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं, तो हम कैंसिल भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन यूज होती है। यूनिवर्सिटीज में क्या है कि उसमें प्रिंसिपल, ट्रस्टी, स्टूडेंट्स आते हैं, कोर्सेज आते हैं, प्यून्स आते हैं, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन वो ये रखती है एप्लीकेशन। टेली कम्युनिकेशन, तो हम फोन्स यूज़ करते हैं तो उसका बिल हमें भरना होता है, हमारे कॉल्स रिकॉर्ड्स होते हैं उसको रखता है मेंटेन, फिर हमारे बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। फाइनेंस, तो वो क्या है कि वो हमारे स्टॉक्स, सेल्स, उसका इंफॉर्मेशन रखता है, हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को वो परचेसिस उसको स्टोर करता है। सेल्स, तो यूज फॉर स्टोरिंग कस्टमर प्रोडक्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन,
ये कस्टमर की प्रोडक्ट्स है, वो जो कौन सा प्रोडक्ट लेता है और उसकी सेल्स की उनकी इंफॉर्मेशन रखता है। मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड फॉर ट्रैकिंग प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स इन्वेंटरी सिस्टम इन वेयर हाउसेज। HR मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज सैलरीज पेरोल डिडक्शन जनरेशन ऑफ पेचेक्स ETC। तो दोस्तों आज की मेरे वीडियो में आपने एप्लीकेशन ऑफ DBMS यानी कि DBMS का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसके पॉपुलर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाना। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के DBMS के बारे में बताऊंगी। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।